हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो जैसे आप देख सकते हैं, आज हम टाइम एंड वर्क के ऊपर पार्ट टू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये पहला क्वेश्चन है, इफ फाइव मैन और नाइन वुमेन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 19 डेज, तो फिर थ्री मैन एंड सिक्स वुमेन कैन डू द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। यहां पे जो दिया है आप देख सकते हैं, फाइव मैन और नाइन वुमेन, और दैट मीन्स ये जो सबसे फॉर्मूला है टाइम एंड वर्क का, एम वन इंटू टी वन इज इक्वल टू एम टू इंटू टी टू। तो यहाँ पे तो दोनों 19 डेज में काम को खत्म कर रहे हैं, तो टी वन या टी टू दोनों कॉमन है, 19 है, तो ये कट जाएगा। तो बचा क्या, फाइव मैन जो एम वन है और नाइन वुमेन इज इक्वल टू नाइन वुमेन। तो इसको हम मैन या वुमेन में कन्वर्ट करेंगे, तो वन मैन इज इक्वल टू 9/5 वुमेन और वन वुमेन इज इक्वल टू 5/9 मैन। यह हमारा इक्वेशन आ गया। तो अभी हम देखते हैं कि हमको मांग क्या रहा है वो, थ्री मैन एंड सिक्स वुमेन कैन डू द सेम वर्क। तो अभी हम पूरा काम को मैन या वुमेन फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स इसको मैन फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो कितना मैन डे है, टोटल कितना मैन डे, तो फाइव मैन अगर इस काम को 19 डेज में करते हैं तो एक आदमी इस काम को कितना दिन में करेगा, तो वो मैन डे निकल जाएगा। तो उस काम को 5 × 19 यानी कि 95 डेज में करेगा। तो अभी हम निकालते हैं थ्री मैन और सिक्स वुमेन एक दिन में कितना काम करते हैं। तो थ्री मैन प्लस सिक्स वुमेन, सिक्स वुमेन को हम क्या करेंगे, मैन में कन्वर्ट कर देंगे। तो वन वुमेन कितना है, 5/9, 5/9, तो ये हम काट देंगे। तो ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, तो ये बन जाएगा थ्री प्लस 10/3। ओके, तो ये टोटल बन जाएगा आपका 19/3, 19/3। तो अभी हमारे पास टोटल कितने मैन डे है, जो ये है आप देख सकते हैं, ये है टोटल जो मैन डे है वो ये है। तो टोटल से अगर इसको हम डिवाइड कर देते हैं, टोटल मैन डे 95 है और एक दिन में ये सब मिलके एक दिन में काम करते हैं 19/3, तो क्या बचता है। तो ये दोनों कट गया, कट जाने के बाद ये बच गया 5, देख सकते हैं ये 5 बच गया और ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा 15। तो आंसर इज 15। तो अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को चलते हैं। ये आप देख सकते हैं सेकंड प्रॉब्लम है, ए सर्टन नंबर ऑफ मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 30 डेज, इफ देयर वेयर फाइव मैन मोर इट कुड बी कंप्लीट इन 10 डेज लेस, हाउ मेनी मैन इन द बिगिनिंग। तो कुछ लोग मिलके एक काम को 30 डेज में करते हैं, बट अगर पांच आदमी बढ़ जाते हैं वो काम 10 दिन पहले खत्म हो जाता है, राइट? तो इक्वेशन क्या है, पहले जो चीज थ्री में हो रहा था अभी वो टू में हो रहा है, 3:2। अगर काम का इक्वेशन 3:2 है तो वर्कर का इक्वेशन, यह बात समझ लीजिए, तो 2/3 हो जाएगा। तो वर्कर का इक्वेशन अगर 2/3 है तो वो वन इक्वेशन के लिए वो बोल रहा है पांच लोग हैं, तो जो वेरिएशन हुआ पांच लोगों का हुआ, तो वो पांच लोगों का वेरिएशन जो है वो एक यूनिट बनाता है, तो दो यूनिट। ये पूछ क्या रहा है, हाउ मेनी मैन इन द बिगनिंग, बिगनिंग में शुरू में कितने लोग थे। तो एक यूनिट अगर पांच है तो दो यूनिट, ये आप देख सकते हैं दो यूनिट, ये दो यूनिट कितना हो जाएगा, 2 × 5 इज इक्वल टू 10। तो आंसर जो है वो बन जाएगा 10। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम को चलते हैं, फोर मैन
एंड सिक्स वुमेन कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज, थ्री मैन एंड सेवन वुमेन कैन कंप्लीट इन इट इन 10 डेज, इन हाउ मेनी डेज 10 वुमेन कैन कंप्लीट इट। तो पहले आप देख लीजिए यहां पे, फोर मैन एंड सिक्स वुमेन कैन कंप्लीट इन 8 डेज। तो हमारा जो मेन फॉर्मूला है टाइम एंड वर्क का, एम वन इंटू टी वन इजक्वल टू एम टू इंटू टी टू, तो यहां पे हमने उस फॉर्मूला के तहत ये बना दिया एम वन और टी वन। और सेकेंड जो है, थ्री मैन एंड सेवन वुमेन कैन कंप्लीट इट इन 10 डेज, तो ये आपका बन गया एम टू और ये बन गया आपका टी टू। ये आप देख सकते हैं, ये एम टू और टी टू का। ओके, तो अभी हम एम वन टी वन इजक्वल टू एम टू टी टू इस इक्वेशन को लिखेंगे। तो ये 32, हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एम वन और टी वन को, तो ये बन जाएगा 32, ये बन जाएगा 32 एम प्लस 48 वुमेन इजक्वल टू 30 मैन 70 वुमेन, इस इक्वेशन से वो आ जाएगा। तो फाइनली जो इक्वेशन बचता है इसको माइनस करने के बाद, प्लस माइनस होने के बाद, 2 मैन इजक्वल टू 22 वुमेन, तो 1 मैन इजक्वल टू 11 वुमेन। तो इन हाउ मेनी डेज 10 वुमेन कैन कंप्लीट इट। पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि टोटल काम कितने हैं। टोटल काम फाइंड आउट करने के लिए जो आप कोई भी इक्वेशन में हम इस इक्वेशन को पुट अप करेंगे तो बनेगा क्या। पहले आप देख लीजिए, ये 4 मैन को हम अगर वुमेन में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये बन जाएगा 11 वुमेन इंटू 4, तो ये बन जाएगा 44 वुमेन, प्लस इसके साथ 6 वुमेन और थे तो ये बन जाएगा टोटल 50 वुमेन एक काम को 8 डेज में करते थे। सिंपल, तो ये बन जाता है 50 वुमेन एक काम को 8 डेज में करते थे, तो 10 वुमेन कितने दिन में करेंगे। तो सिंपल है ये 8 इंटू, क्योंकि ये 1:5 का प्रोपोर्शन बन जा रहा है तो इसमें 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा 40। सिंपली इसका आंसर बन जाएगा 40। अभी हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को चलते हैं। जस्ट मिनट, ओके, तो ये आज का लास्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो इसका क्वेश्चन जो है, 12 मैन कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 36 डेज, 11 वुमेन कैन फिनिश द सेम वर्क इन 60 डेज। ओके, तो फॉर्मूला सेम है, एम वन टी वन इजक्वल टू एम टू टी टू। तो यहां पे हम जो ये देख सकते हैं, 12 मैन और 36 डेज, ये जो 36 डेज है इसको हमने यहां पुट अप कर दिया, और दूसरा जो है ये जो है 18 वुमेन एंड 60 डेज, इसको हमने यहां पुट अप कर दिया। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो 1 मैन इज इक्वल टू 18 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 36 निकलेगा। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो ये 2, यहां पे 3 और 3 अगेन कट जाएगा, यहाँ पे 12 बच जाएगा, तो यहाँ पे अगेन कट जाएगा, तो ये 5 बच जाएगा, तो ये बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 वुमेन। तो 5 मैन, सॉरी 1 मैन इज इक्वल टू 5 बाई 2 वुमेन। अभी हमको ये कैलकुलेट करना है कि 8 मैन एंड 8 मैन एंड 20 वुमेन 20 दिन तक काम किए तो वो कितना काम किए, राइट? तो 8 मैन जो है, पहले हम लिख देंगे 8 मैन प्लस 20 वुमेन। तो 20 वुमेन को अगेन हम सॉल्व करेंगे इसको, तो हम मेन फॉर्मेट में है तो हम एक काम और कर सकते हैं कि 8 जो मेन है इसको हम वुमेन फॉर्मेट में ले लेते हैं।
ठीक है, तो एक आदमी का जो है 5/2 बनता है, प्लस यहां पे 20 है, ओके, तो ये कितना बन जाएगा, 4, ये 20 और 20, 40, राइट। ये 40 लोग जो है इस काम को 20 दिन तक, 40 वुमेन डेज जो हुआ एक दिन में, तो ये टोटल 20 डेज तक काम किए, तो इंटू 20 हो जाएगा, राइट। तो इंटू 20, 20 डेज तक किए तो इंटू 20, तो 800 वुमेन डेज बन जाएगा ये। तो अभी हम पहले हमें ये कैलकुलेशन करना है कि टोटल वुमेन डेज कितने हैं। तो यहां से हम ले सकते हैं 18, अब देखते हैं टोटल वुमेन डेज, ये 18 वुमेन इस काम को 60 डेज में करते थे, तो टोटल वुमेन डेज कितने हुए, 60 इंटू 18 इज इक्वल टू 1080। तो 1080 जो है, 1080 टोटल है, जिसमें से माइनस हम कर देंगे 800, तो बचा कितना, 280। तो 280 वुमेन डेज का काम बचा है, जिसको 4 दिन में खत्म करना है। यहां पे आप देख सकते हैं, इसको हम 4 दिन में खत्म करना पड़ेगा इस काम को, तो डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो हमें टोटल एक दिन में 70 वुमेन चाहिए एक काम को खत्म करने के लिए। तो दिस इज द आंसर, 70 वुमेन डेली चाहिए, राइट। सो थैंक यू, स्टे ट्यून। जाते जाते मैं बोलना चाहूंगा, आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। थैंक यू, स्टे ट्यून।